गाइस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जयपुर दिखा रहा हूँ नाइट में। नाइट का ये सीन है पूरा, और ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है न्यू गेट। न्यू गेट के ऊपर अभी हम, और इधर ये पीछे जो मेरे जो पीछे आपको दिख रहा है, इधर ये आपका बापू बाज़ार है, और इधर ये चौड़ा रास्ता है पीछे पूरा। इधर इस मार्केट में हम चलते हैं पीछे, और आपको एक स्पेशल चीज़ यहाँ की दिखाने वाला हूँ। आप देखेंगे मेरे पीछे जो है ये पूरा मार्केट है, और इस मार्केट में हम आपको आज स्पेशल फलूदा आइसक्रीम जो मिलता है, और पिछले 30-40 साल से ये लोग बेच रहे हैं, आपको मैं वो दिखाता हूँ। आइए चलते हैं। कौन सा बना रहे हो आज? 40 वाला नहीं, 50 वाला बना लो, 50 वाला बना लो। श्याम फलूदा आइसक्रीम, स्पेशल रबड़ी फलूदा, मटका कुल्फी, मिल्क रोज। चालीस, 50 और 60 का फलूदा है, स्पेशल फलूदा। ये बन रहा है, क्या क्या डाल रहे हो इसमें? इसमें दो तरीके का फलूदा डाल रहा है साहब। अच्छा, दो तरीके का फलूदा? एक मीठा फलूदा, एक फीका फलूदा। अच्छा अच्छा, दो फलूदा। और इसमें हल्की सी आइस डाली जाती है ठंडे के हिसाब से, और ये मटका कुल्फी डल रही है, पीसेस करके डाल रहे हैं। ये मटका कुल्फी डाल दी पीसेस करके। ये हैंडमेड आइसक्रीम है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, अपने हाथ की बनाई हुई है। अच्छा अच्छा, दूध की रबड़ी मैंने बना के इसमें केसर, हल्की सी इलायची डाला हुआ है, और ये स्पेशल बना रहे हैं। और ये रबड़ी डल रही है आइसक्रीम के ऊपर। ये रबड़ी है, पहले कुल्फी डाली, फिर आइसक्रीम डाली, और ये रबड़ी। ओके, और ये गुलाब का शरबत है जो अपने हाथ से बनाया हुआ है, पूरा आइटम अपने हैंडमेड है। गुलाब का शरबत। अब इसके ऊपर अपन थोड़े से ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम वगैरह डाल सकते हैं, पर अपन काजू ही डालते हैं, और हल्की सी चेरी स्वाद अनुसार, और स्पून लगा के, और फिर सर्व किया जाता है। ये रेडी हो गया, अब ये फलूदा रेडी है, और ये खाने के लिए तैयार। वाह, ये फलूदा हो गया। ये आप देखिए इसका फ्लेवर, बहुत ही शानदार फलूदा भैया बनाते हैं, बहुत ही अच्छा फलूदा है, और शुद्ध है, प्योर है, ये गारंटेड है, टेस्ट बहुत अच्छा है। ये फलूदा खाने के लिए मैं ये समझ लें कि 20 से 25 किलोमीटर चल के अभी आया हूँ इनके पास स्पेशल फलूदा खाने के लिए। आप ज़रूर यदि जयपुर आते हैं, और यदि आप जयपुर में भी रहते हैं, तो भी आपने यदि ये इनका फलूदा नहीं खाया है, श्याम कुल्फी भंडार, तो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छा है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।